कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के पूनम ब्लॉग्स के चैनल पे। तो पानी का वेट करते करते बच गया है 9:30 और इधर मैं काट रही हूँ, देख रही हूँ मेथी का सब्जी भाजी। और मैंने 2 गड्डी मेथी मंगाया था, जितना तो मेथी नहीं निकला, उससे ज़्यादा तो कचरा निकल गया। इधर देखिए कितना ढेर सारा कचरा निकला है, जैसे लग रहा है हम तो सोचे 2 गड्डी मंगाए हैं वो ढेर सारा मेथी निकलेगा, यही मेथी निकला है। 2 आलू काट दे रही हूँ और कचरा देखिए कितना ढेर सारा निकला है। यही सब रहता है, उसी में लपेट के दे देते हैं। 1 गड्डी मेथी 10 रुपये 15 रुपये का मिलता है। और सब्जी उब्जी बना रही हूँ, क्या है इसमें सीजन आ गया ठंडी का, यही सब खाने का मन कर रहा है। यही सब लोग मेथी का पराठा, मेथी का पूड़ी सब छान छान के खा रहे हैं। तो मेरा आज मेथी का सब्जी, दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी बनाई थी, सॉरी पूड़ी बनाई थी, हाँ पूड़ी लकी रे टिफिन बनाई थी, रोटी नहीं बनाई थी। अभी मैं जा रही हूँ बनाने, पानी नहीं है, पानी का वेट कर रही हूँ। फटाफट पानी, अब देखो पानी आ रहा है नहीं, चेक करो नहीं आ रहा है। चलो मैं फटाफट सब्जी पहले छौंक देती हूँ। और इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत उलझन और बहुत टेंशन है, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग से सारा काम करके उसके बाद मैं मिलती हूँ। तो गाइस रात 9:30 बज गए, मम्मी इधर पे देखिए खाना बना रही, तब तक जितना सामान फैला था मैं लोग मम्मी, तब तक मैं सब हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सारे सामान भी हटा दिया हूँ, और इधर पे आलू प्याज बचे हुए हैं तो मैं जा रहा हूँ उसको अलग करने। और आलू प्याज एक ही इसमें झोले में है तो मम्मी बोले कि उसको अलग कर दो, मैं जा रहा हूँ अभी अलग करने। तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े हुए मम्मी, वहाँ पर देखिए बर्गर जुड़े हुई है अलग कर, हम बोले थोड़ा सा। हाँ तो यहाँ पे देखिए मैं मैंने हेल्प करा था आपको ब्लॉग में मिले दिए, तब तक घर की तरफ मिलता हूँ आप सबसे। सो गाइस देखिए इधर मेरा सब्जी बन गया है, ऐसे ही लाल लाल मेथी के सब्जी होते हैं। हमने आलू कुछ ज़्यादा डाल दिए क्योंकि मेथी कम थे इसके लिए, और रोटी हमारा बन के रेडी है। लेकिन मेरी ननद ने क्या बनाया है अभी देखते हैं। मेथी का पराठा बहुत टेस्टी लगता है, गरम गरम खाओ, खाना भी बन गया है। जा रहे हैं बच्चे लोग खाना करने, देख सकते हो काफ़ी पसीना हो रहा है, गांव में ठंडी है ना। और उधर सब लोग बैठ के मोबाइल में भूतिया देख रहे हैं, भूतिया। तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहे, मैं खाना बना के फिर आप सबसे मिलती हूँ। The next day. So guys, शाम का समय हो गया है, आरओ स्कूल से आ गया है। पता नहीं क्यों ये जोहर के बगल में मेरा दर्द कर रहा है, अंदर से पता नहीं कैसा बहुत दर्द कर रहा है। दर्द की वजह से सर भी दर्द कर रहा है, सुबह से इतना परेशानी इतना उलझन कि आप लोग को बताने से तब जा रहे हैं। आरो स्कूल से आया, उसके लिए खाना निकाल लेती हूँ, खा लेगा। आज तुम्हारा फेवरेट खाई हूँ क्या बताओ, क्या मसूर की दाल। तुमको कैसे पता? अच्छा हाँ तुम ही लाए थे ना। अच्छा गैस पे इधर एक ठो मसूर का गिरा निकालने में गिर गया है, तो वही देख रहा है। तो आज बनाए हूँ मसूर का दाल और चावल, जो कि बच्चे लोग को पसंद है। आर्यन 2 बार खाना खाया, बहुत तेज है। कैसे लग गया? आज तो स्कूल से रहने में धप्पस लग गया, पीछे वाले धक्का। सही से देख के नहीं आते हो, पीछे वाले धक्का देते ना, होता रहता है ये सब स्कूल में आम बात है। तो आप लोग जुड़े रहिए, मैं आरओ को खाना निकाल के फिर उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। सो गाइस इधर देखिए आरओ खाना निकाल दी हूँ, और आरओ काटू निकाल लगा के खाना खा रहा है। देखिए कैसे शान रहा है, थाली में दे दी हूँ तो खा रहा है। सब ये तीनों बच्चे एक ही साथ स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ तुम्हारे घर भी काली दाल बनी थी? घर पे एक ही खीर बनी है काली दाल। तुम खा लिए? हाँ खाते भी आए। तू गौरी खाओ, खाओगी? ये तो अभी तक अभी ये का होमवर्क करके आई है, नहीं खाओगी? टीचर का होमवर्क कर लेंगे। रात को टॉयलेट भी अकेला नहीं जाता।
तो आरो खाना निकाल दी हूँ, आरो खाना खा रहा है। कल से दिमाग इतना उलझन, इतना टेंशन में था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। होता है जब इंसान एक साथ रहता है और एक छत के नीचे रहता है, तो जब बिछड़ते हैं तो दर्द बहुत होता है, क्योंकि जो जीने का मज़ा साथ में है वो दूर रह के नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि दूर रहने से जो रिश्ता बना रहता है, वो पास में रहने से वो रिश्ता बना नहीं रहता है। तो आज दोपहर में आर्यन इतना मुझे अपसेट कर दिया था, इतना अपसेट कर दिया था कि मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। होता है कभी कभी कुछ बातें, बच्चे इतना जिद करते हैं। आरो मोबाइल थोड़ा स्लो कर दो, इतना अपसेट कर दिया, मुझे बहुत टेंशन हो गया। टेंशन की वजह से ही आज मेरा सर इतना दर्द कर रहा है कि मुझसे मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। उसके पेन की वजह से सर दर्द कर रहा है, दांत भी दर्द करने लगा हल्का हल्का। जब इंसान ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो ऐसा ही होता है। और ऐसा क्या हुआ है, बस कुछ नहीं, बच्चे हैं कुछ भी देखते हैं। ये उम्र ही ऐसा है कि लोग अपने माँ बाप से जिद करते हैं, लेकिन उसको अपने सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ करना चाहिए कि हाँ मेरे पापा नहीं हैं, मैं अपनी माँ से किस चीज़ के लिए जिद करूँ। उसे तो और सोचना चाहिए कि मैं अपनी माँ को टेंशन नहीं दूँ, किसी भी चीज़ के लिए बोलूँ नहीं। लेकिन वो कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट कर देता है, मूड एकदम बहुत ऑफ हो जाता है। बचपन से ही उसकी आदत है, आज से नहीं बचपन से ही सारे शौक पूरे होते चले गए। अब उसको किसी चीज़ भी के लिए मना करो वो समझता नहीं है। लेकिन समझदार बच्चे होते हैं तो बहुत कुछ समझ जाते हैं। छोड़ो, और किट्टू अन्ना का कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं। वो लोग एक साथ रह रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, वो दर्द मुझे हो रहा है। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैं क्या सही बता रही हूँ। इसी से कल से ही मैं बहुत टेंशन में थी। आज सुबह से ही कुछ भी मैंने, एक तो तबीयत भी मेरा बराबर 4 बजे से ही थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, और दवा खाई हूँ तब जाके थोड़ा सा ये हुआ है। ज़्यादा टेंशन से यही सब कुछ होता है, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती। हाँ दे रही हूँ। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कि दोनों बहनें अब अलग अलग रहेंगी, एक साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है बहुत मिस करेंगी। हमको पता नहीं क्यों बार बार जैसे झटका लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे रहेगी ये लोग, कैसे रहेंगे बच्चे, कैसे रहेंगे, और किट्टू का ऐसा हालत है, अकेले कैसे सब मैनेज करेंगी होता है। लेकिन फिर ये भी अपने आप को दिलासा देती हूँ कि ऊपर वाले हैं ना भगवान, सब कुछ ही है। दुनिया काम करती है और बाकी सब काम भगवान करवाते हैं। आज हम आप दोनों बात कर रहे हैं, लड़ाई भी हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है। आज प्रेम है, कल झगड़ा हो जा रहा है, तो ये मैं और आप नहीं कर रहे हैं, ये भगवान ही कराते हैं, ये उनकी ही लीला है। लोग कहते हैं ना हमको ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, तो कृष्णा देखिए सारी लीला भगवान रचते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगा। लेकिन दोष किसको दिया जाता है, नीचे वाले को। तो जो लोग समझदार हैं, समझदारी से अपना घर चलाते हैं, समझदारी से सब रिश्ते निभाते हैं, और समझदारी से बोलते भी हैं, सोचते भी हैं। जिनको ना समझी रहती है वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ भी कह के चले जाते हैं। बाद में आज मैं आपके बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ घर के ही बारे में, चाहे सास हो, चाहे ननद हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी बुराई करेंगी किसी से, ठीक है, या मैं उनकी बुराई करूँगी, अगला इंसान उनसे मिलेगा बोलेगा आपकी ननद ऐसे बोल रही थी, आपकी देवरानी ऐसे आपको बोल रही थी, आपकी जेठानी आपको ऐसे बोल रही थी। वो वहाँ से सुन के आएगा, मुझसे कहेगा, और मैं कुछ बोलूँगी तो उनसे कहेगा। ज़रूरत क्या है किसी को कुछ बोलने का, जिससे भी मिलो अपना
अपने लाइफ के बारे में शेयर करो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या पी रहे हो, हंसी मजाक करो, अपना पर्सनल मैटर क्या ज़रूरत है किसी से शेयर करने का, जिसको समझ नहीं रहता है वही ये सब चीज़ करता है। और बाकी तो हम किसी को ज्ञान नहीं देना चाहते, जिसको जो समझ में आता है वो अपना वैसा करे, और ना ही हम किसी के लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ और ना ही कभी लाइफ में करूँगी। तो जैसे मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, नहीं तो समय आएगा तो बहुत बुरा हो भी सकता है। जब सामने वाला एक्शन लेगा तो बुरा होगा ही। मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं मैंने वीडियो में क्या क्या बोल दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो अपना यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे अच्छे अच्छे सजेशन दीजिए। आवाज़ नहीं निकल रहा है दर्द की वजह से, देखिए कितना जोर से खींच के बोल रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।